केसर जी आप भी आ जाइए। सर थोड़ा सा पीछे चले जाओ, थोड़ा पीछे चले जाओ, थोड़ा सा पीछे 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 बीच में गन जो है वो गन गन तो दे दो जी जी गन दिया गोलियां ना डाल। हां एक और इस तरफ से शुरू, हां लेफ्ट से इधर से शुरू करें, सेंटर में देखिए तो पीछे आना चल बोल, और फिर यहां आए सर इधर देखिए तो सर लुक सेंटर सेंटर में आए और अब राइट में ठीक है जी सबको मार दिया। कैसे आ गया? अरे एक मिनट यार रुको। सबसे पहले तो जब लास्ट ईयर हमने बिग बॉस किया था मैंने और अनुची ने, तो इतनी बातें होने लगी हमारे बारे में, यहाँ तक कि जब मैंने बाहर आके सबसे कहा कि नहीं ये मैंने एक मजाक किया था शो जब मैं स्टेज पे थी, तो प्रैंक था ये जो मैंने किया था अनुची पे, तो भी लोगों ने उसको बिलीव नहीं किया, लोग वही बात कर रहे थे। और इनफैक्ट जहाँ भी मैं शोज़ पर जा रही हूँ वहाँ पर भी यही बातें हो रही थी कि क्या रिश्ता है आप दोनों का, अनूप जी जब शो पे जा रहे हैं तो लोग उनको नीचे से चिढ़ाते थे कि यू नो भाभी जी कहाँ पर हैं, तो मतलब बहुत सारी बातें ऐसी हुए जा रही हैं और वो किस्सा कभी ख़त्म ही नहीं हो पाया। एक साल तक जो इंटरव्यूज़ इस एक साल में मैंने किए हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं घुमा फिरा के अनूप जी का टॉपिक आता ही था कि अब क्या हो रहा है अनूप जी और आप बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा क्यों नहीं बात कर रहे हैं भाई, वो एक मजाक था, वो वहाँ मजाक ख़त्म हो चुका। लेकिन क्या है ये शक जो है ना लोगों के दिमाग में ये हमेशा से रह गया। मैं मीडिया की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इंडस्ट्री की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मली जब रोड पे भी जा रही हूँ किसी यू नो ऐसे गैदरिंग में भी हूँ जहाँ पे नॉर्मल लोग आ रहे हैं, वो भी मुझ पर मुझे ऐसे ऐसे देखते हैं जैसे मजाकिया तरीके से ये एक लुक होता है उनके फेस पे। तो मैंने और अनूप जी ने हमने डिस्कस किया, डैडी से मैंने बात की कि क्या किया जाए, ऐसा कैसे ये लोगों तक मैसेज यू नो पहुँचाया जाए कि ऐसा नहीं है और हम गुरु शिष्य का ही हमारा ये रिश्ता है। तो बहुत डिसाइड किया हमने, सोचा और इस नतीजे पे आए कि चलो अब हमें एक मूवी बनानी होगी जिसके ऊपर हम अपनी कहानी बताएंगे कि हमारा रिश्ता क्या है। तो उसी उस वजह से ये हुआ है, वो मेरी स्टूडेंट है, टाइटल है मूवी का, तो इसके थ्रू हम लोगों को बताएंगे कि क्या रिलेशनशिप है। क्या रोल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है मेरा, और जैसे कि मैंने बताया कि ऑब्वियसली हमारी यू नो लाइफ से ही रिलेटेड है मेरे अनूप जी के, और उसके बाद एक कॉमेडी तरीके से मेरे पापा ने मेरे फादर केसर मथारू उन्होंने ये लिखी है, स्क्रीन प्ले उनका है, डायरेक्ट भी वही कर रहे हैं, तो बहुत ही फनी वे में और एक कॉमेडी और बहुत एंटरटेनिंग वे में हमने ये कैरेक्टर सोचा है कि बहुत ही बबली सी लड़की है और अनूप जी के पास यू नो गाना सीखने आती है और किस तरह का उसका कैरेक्टर है, वो कैसे बिहेव करती है, एक बहुत डिफरेंट चुलबुला सा कैरेक्टर बनाया है और किस तरह सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि अनूप जी भी परेशान हो जाते हैं और मैं भी परेशान हो जाती हूँ, तो इतना ही बताऊँगी अभी, बाकी उसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। हमेशा से सपोर्ट किया उन्होंने, तो मैं इस मूवी के लिए ही नहीं कहूँगी, हमेशा से उन्होंने सपोर्ट किया और इस मूवी में भी सपोर्ट कर रहे हैं और अपनी पूरी कोशिश अपनी जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं। कि स्टे ट्यून्ड गाइस, अब इस ये मेरी लास्ट हमारी लास्ट होप है कि हम यू नो ये चीज़ क्लियर कर सके कि हमारा रिश्ता क्या है, तो बस ये उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को समझ सकें और जान सकें कि क्या रिलेशनशिप मेरा और अनूप जी का है, और बस यही कहूँगी इसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी तो ही शायद आप जान पाएंगे। थैंक यू, थैंक यू। सर आप एक छोटा सा इस फिल्म को लेकर एक छोटा सा पहले कंक्लूजन दीजिए। दिवाली धमाका, पिछले साल दिवाली धमाका हमने दिया था ना बिग बॉस वगैरह, दिवाली आने वाली है, पटाखे वगैरह चलाना मना है, पॉल्यूशन होता है, तो ये हम धमाका कर रहे हैं, ये वक्त पटाखे चला रहे हैं। तो सच ये है कि बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म बन रही है, और इस फिल्म में जसलीन है, मैं हूँ,
एक जसलीन के साथ उनके हीरो हैं, मैं उनका म्यूज़िक टीचर हूँ। और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, केसर जी इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस फिल्म का लोग बहुत मज़ा लेंगे। इसकी कहानी के बारे में जानना चाहेंगे, ये कहानी ये मैसेज देती है कि जो गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो बहुत प्योर होता है, बहुत ही शुद्ध होता है। जिस तरह से गुरु अपने शिष्य को सिखाते हैं वही इसमें दिखाया गया है। जिस तरह गुरु अपने शिष्य को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं वो इसमें दिखाया गया है। इसमें कहीं भी किसी तरह की कोई गलत बात नहीं है, गंदगी नहीं है। और इसमें जसलीन के बहुत अच्छे पार्ट हैं फिल्म में जो वो करेगी, और मेरे भी बहुत खूबसूरत सीन है, आपको देख के मज़ा आएगा। देखिए जसलीन वैसे आर्टिस्ट तो अच्छी है, आपने उसको बिग बॉस में देखा है, उसके शोज़ बहुत होते रहते हैं, गाना बहुत अच्छा गाती है। इसमें एक हमने रैप सॉन्ग गाया है उसके साथ, वो ज़रा एक डिफरेंट चीज़ है। उसी ड्रेस में अभी हूँ क्योंकि उसकी शूटिंग हम करेंगे, लेकिन साथ साथ जो हम हैं अपने जीवन में वही इस फिल्म में है कि उसी तरह बैठ के लोगों को सिखाते हैं, लोगों को सामने लाते हैं, उनको तरक्की के लिए एक रास्ता दिखाते हैं। तो जो हमारा जीवन है वही इस फिल्म में आप देखेंगे। इस फिल्म में आपने रैप सॉन्ग गाए तो दो लाइन गा के दिखाया है। बड़ा मुश्किल काम है ना, वो तो क्या है रिकॉर्डिंग में, उसमें बस एक लाइन जो है वो सुना देता हूँ, जो मैं जसलीन जो मेरे साथ गा रही है उसमें, तो उसको मैं कहता हूँ तुझे स्टार भी बनाऊँगा, तुझे गाना भी सुनवाऊँगा और तेरी शादी भी करवाऊँगा, ऐसा उसमें है। लेकिन अनुसार ये गुरु तो आप हैं, लेकिन गुरु के साथ बंदूक और ये बम, नहीं नहीं ये एक, एक, एक सीन है ऐसा, जस्ट फॉर दैट, हर वक्त नहीं है, एक उसमें सीन ऐसा है कि जो रैप गाना हम गा रहे हैं उसके बाद एक फायर करते हैं। तो ये गन पकड़ते तो इस समय आपको कैसे लग रहा है? अरे बड़ा, हमने तो पहले भी पकड़ी है, नहीं पहले भी पकड़ी हुई है, हमने जो है जंगलों में जाके शिकार बहुत किया है, तो ये गन का बहुत यूज़ किया हुआ बचपन में, ऐसा बहुत किया है, तो ऐसा कोई डर नहीं लग रहा है इसमें। लेकिन यही है कि एक नयापन इस फिल्म में लोगों को मिलेगा, जो मैं हूँ वो तो देखेंगे, लेकिन एक ये गाना जो रैप पिक्चराइज हो रहा है इसका भी लोग मजा लेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि फिल्म बनाने का आइडिया कैसे आया, कैसे बात हुई। तो जहाँ भी शो में जाते थे अपने अनूप जी, तो लोग पूछते थे जसलीन कहाँ है, भाभी जी कहाँ है। और जसलीन शो पे जाती थी तो उसको कुछ लोगों के नाम अनूप कुमार होते थे, तो शो में चिल्लाते थे लोग हम भी अनूप कुमार। तो ये एक्सप्लेन करते करते थक गए, भैया हमारा कोई ऐसा रिलेशन नहीं, हम गुरु शिष्य का रिलेशन है। तो इस बात से फहीम भाई भी सुनते थे ये बात, हमारे दोस्त हैं पुराने, तो इन्होंने कहा यार तू फिल्म क्यों नहीं बनाते जिसमें फिल्म में आप सारी बात ये कहो, क्लियर करो, बताओ इस बात को कि भैया क्या रिलेशन है, और फिल्म बना के एक बार क्लियर करो कुछ ऐसा, उसमें एंटरटेनमेंट का कुछ मटेरियल भी डालो उसमें, और एक फिल्म बनाओ। तो इस तरह ये फिल्म का आइडिया आया और ये फिल्म प्रोड्यूस करने की बात हुई। आप केसर जी मेरे काफ़ी जुड़े दोस्त थे, और हर जगह हम जाते थे बेबी के प्रोग्राम में, पब्लिक जो ऑडियंस का पीछे से आवाज़ आना, अनूप जी किधर है, अनूप जी के प्रोग्राम में जैसलीन किधर है, कभी हर्ट भी किया वो बात नहीं, कभी खुशी भी हुई, कभी उसको मज़ा भी आया। तो हमारी चर्चा हुई एक बार, मैंने कहा शॉट चालू हो जाए।
सही था बिल्कुल करो थोड़ा पीछे जाएंगे सर प्लीज थोड़ा सर टेबल के पीछे जाएंगे थोड़ा स्लो वेट अब इधर सामने देखो थोड़ा पीछे सामने सर यो यो कीजिए यो यो सेंटर प्लीज बैठो इधर रुक सर अभी हाथ निकाल के फोटो कैसा शूट करेंगे बताओ हमारे बाजू वाले सब लोग राकेश जी हाथ निकालो नहीं
भगवान का तीसरा रूप दादा दादा थोड़ा लाइट लाइट हटा दो ना लाइट हटा दो ना प्लीज थोड़ा हेलो जरा लाइट छोड़ो ना प्लीज हाँ लाइट छोड़ा क्या बात है किस तरफ जतलेन जी सामने समोर बगा इकड़े अनुप सर अनुप सर सामने अरे गॉगल डाले उन्हें कहाँ भी देखेंगे मिल गया नहीं 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 होल्ड 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 भी आ गया अनुप सर थोड़े से करने चाहिए हाँ जसलीन मैडम के यहाँ लगा तो होगा क्या बात है नाइस किधर बोल बोल ओनली बोल बोल आ रही किस तरफ भी मैं हाँ जी यहाँ पर बोलो ना तुम और थोड़ा देर इस तरफ भी हाँ सर सामने बोल अभी विदाउट क्या आग लगा दी आग लगा दी है सर भगवान ने आग लगा दी तीसरा रूप भगवान का तीसरा होता है सर थोड़ा सा ले लो सर जी सर सर आइया रजनी सामने हाँ जी मैम मेरी तरफ सर सर केसर जी ने भी काफ़ी मेहनत की है वर्ल्ड फेमस भजन गायक अनुप जी को सभी लोग जानते हैं तो इसमें मूवी में मस्ती है मसाला है कॉमेडी है सब कुछ है और आने वाले कल में हम और भी फिल्में करेंगे मिल करके लोगों तक एक अच्छा संदेश देंगे एक अच्छा मैसेज देंगे समाज में और लोगों को एंटरटेन भी करेंगे आप सब लोग यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू